नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पास ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो, अब इसको क्लासिक कहा जा रहा है और ये क्लासिक का S11 वेरिएंट है। लेट मी शो यू कि क्या क्या इसमें अपग्रेड हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। विल स्टार्ट विद द कीज। सो आपको पहले जैसे ही स्टैंडर्ड कीज मिलती हैं, लॉक, फॉलो मी और अनलॉक। पर आपको जो नया चेंज मिलता है वो ये है लोगो, जो कि क्या कहते हैं महिंद्रा अपने अब सारी SUVs पे देने लग गए जितनी उसके लाइनअप पे हैं। जैसे ही आप इस गाड़ी को पहली बार देखते हो तो जो सबसे बड़ा चेंज आपको नज़र आता है वो इसके क्या कहते हैं इस ग्रिल पे है। पहले आपको क्या कहते हैं स्क्वायर शेप बॉक्स मिलते थे, पर अब आपको ये स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं विद दिस क्रोम, जो कि अच्छी दिख रही हैं, गंदी नहीं दिख रही हैं। मतलब आप जब इसको सामने से देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। मेरे को ये पता नहीं वीडियोज़ में कितना जस्टिफाई होता है कि नहीं होता, पर सामने से देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेरे को पहले ये लग रहा था कि क्या कहते हैं ये ग्रिल थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड है, पर ब्रॉड नहीं है, इसका साइज़ उतना ही है। ये ब्रॉड इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पर जो ये क्रोम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। जो हमारी पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी उसमें जो क्रोम बॉक्सेस थे वो इस इतने से ही थे, इसके लिए वो ज़्यादा स्लीक दिखती थी, पर ये भी अच्छी दिख रही है। बम्पर में कोई मेजर चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट दिस। अब यहाँ पर आपको क्या कहते हैं DRS मिलता है अलॉन्ग विद दिस स्टैंडर्ड DRS। आपको ये फॉग लाइट मिलती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं महिंद्रा थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बहुत सारे पार्ट शेयरिंग वाली चीज़ें कर रहा है। आपको ये वाले क्या कहते हैं फॉग लाइट्स उसके बहुत सारे लाइनअप में मिल जाएंगे। इनफैक्ट नियो में भी जो आपका फॉग लाइट यूज़ होता है वो यही वाला यूज़ होता है। या ये सिल्वर स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं यहाँ पर, जो इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्या कहते हैं इसके जो फ्रंट फेशिया है उसको एनहेंस करता है। पहले भी आपको सिल्वर स्किड प्लेट्स मिलती थी पर वो बहुत ज़्यादा नैरो थी, ये थोड़ी सी वाइड रखी गई है। स्टैंड्स इसके भर भर के हैं, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भर भर के है। ठीक, जो दूसरा डिफरेंस है वो पहले आपको ORVM पे टर्निंग इंडिकेटर्स मिलते थे, वो यहाँ पर ना मिल के यहाँ पर प्लेस कर दिए गए हैं। मे बी कॉस्ट कटिंग कर रहा होगा महिंद्रा। आपको पहले स्कॉर्पियो यहाँ पर एम्बॉस्ड मिलता था, पर आप यहाँ से हटा के इन्होंने क्लैडिंग ऐड किया और उस पर क्या कहते हैं स्कॉर्पियो दिखा दिया है। ये पुराने वाले ही एलॉयज हैं, जस्ट अब ये डायमंड कट आते हैं और ड्यूल टोन में हैं। मुझे लगता है कि वो पुराने वाले एलॉयज ज़्यादा अच्छे लगते थे, पर ये भी गंदे नहीं लग रहे हैं, पर वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। बैक में आप आओगे तो ये है एक मेजर चेंज। आपको ये लाइट्स जो हैं वो सेम ही है LEDs, पर ये आपको क्या कहते हैं ऐड किया गया। पहले यहाँ पर ब्लैक कलर का एक पार्ट था, अब उसको रिप्लेस कर दिया इसने रेड वाले पार्ट ने। और जो यहाँ पर ये पीछे आप पियानो ब्लैक में स्किड प्लेट्स देख सकते हो विद न्यू लोगो। आप मेरे चेहरे पर बस स्माइल देखो, खुशी देखो। इस गाड़ी के स्टैंड्स ही अलग हैं, इस गाड़ी का जीरो कंपटीशन है इंडिया मार्केट में मुझे लगता है अभी। भर भर के हाइट है, ये गाड़ी आपको छोटा महसूस करवा देती है। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने Scorpio N चलाई है, मैं Scorpio N के बाजू में भी खड़ा हुआ, मैंने सफारी चलाई है, Scorpio Safari सबके बाजू में खड़ा हुआ, पर मेरे को कभी छोटा महसूस नहीं होता। पर इस गाड़ी के बाजू में आप खड़े होते तो आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा छोटे हो। इसका साइज़, जबकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1821 mm इसकी चौड़ाई है, पर इसकी हाइट आप मतलब रोड प्रेजेंस जो है ना इस गाड़ी की अनमैचेबल है। इस गाड़ी का कोई कंपटीशन नहीं है, जीरो कंपटीशन है। मुझे लगता है महिंद्रा वालों को या अजय जी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी ये गाड़ी बेचने के लिए, ये सिर्फ अपने नाम से अपने लुक्स से बिकती है। और जहाँ तक बात है इंजन की, इंजन अभी भी आपको उतना ही क्या कहते हैं पावरफुल मिलता है, उतना ही टॉर्की मिलता है, उतना ही ज़्यादा पंची मिलता है। ऐसा कहीं पर लगता नहीं है कि क्या कहते हैं कोई लैग है या मतलब वो कोई गैप आ रहा है, अभी भी उतना ही टॉर्की है और आपको क्या कहते हैं चलाने में मज़ा आता है। इंटीरियर में आपको एक और दिखवा देता हूँ और सब दिखवा देता हूँ कि क्या कहते हैं आपको बैठने में कैसा रहेगा, हाइट पोस्चर, इनड्रैग एग्जिट कितना ईजी है, कितना आसान है चढ़ने के लिए। आपको वैसे तो यहाँ पर क्या कहते हैं फुट रेस्ट दे रखा है, स्टेप्स दे रखे हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं है बैठने की। ओके, यहाँ पर बैठने का अलग ही आनंद है। ठीक, अच्छी खासी कुशनी सीट है, बकेट टाइप तो एग्जैक्टली नहीं है पर थोड़ा बहुत फिर भी आपको ये सीट्स ग्रैब करती हैं पीछे से। थाई सपोर्ट डिसेंट है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पर वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता इसके जो लवर्स हैं। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल दे रखा है,
ये देखो आप, ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। आपको कोई भी कमी नहीं है हेडरूम की, आप कैसे भी बैठ सकते हो। आपको बीच वाली सीट दिखाता हूँ। डोर ओपनिंग जो है वो 90 डिग्री तो नहीं है, पर डिसेंट है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये मेरे को नी रूम मिल रहा है, अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है। हेड रूम आप देखिए, कोई कंप्लेन नहीं है भाई साहब। इतना ज़्यादा यहाँ पर क्या कहते हैं हेड रूम दे रखा है। बॉटल होल्डर है यहाँ पर, आप फोन रख सकते हो। आई थिंक ये फ़ोन यहाँ पर आप पुराना वाला रख सकते हो, नोकिया का। इतना छोटा प्लेस दे रखा है। और पीछे का मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी देसी गाड़ी है भाई। ये रफ एंड टफ है, आप विदाउट सेकंड थॉट इस गाड़ी को लेके कहीं पे भी जा सकते हो। यहाँ पर महिंद्रा वालों ने ग्रैब हैंडल दे रखा है, और ये आई थिंक मेरे को, आई थिंक दिस मेक्स मोस्ट सेंस जो स्कॉर्पियो एन वाले से। क्यों? क्योंकि आपको सच में चढ़ने को यहाँ पर इनकी इसकी जरूरत पड़ेगी। ये है इसकी बैक सीट भाई साहब, फुल राजा बन के बैठो आप, खुला खुला सब खुला खुला। और यहाँ पर मेरे जैसा 6 फुट का बंदा आराम से बैठ के मैं सफ़र कर सकता हूँ। और मेरे को ये नहीं मालूम कि वाइल्ड ड्राइविंग कितना कम्फर्ट होएगा यहाँ पर मैं, मेरे को कोई कंप्लेन नहीं है यहाँ पर, ना मेरे को हेडरूम की कंप्लेन है। विंडो एरिया आप देखो, कितना बड़ा विंडो एरिया है, आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होता। बेहतरीन कुशनी, ये देखिए कुशनी सीट्स हैं, बैक सपोर्ट बेहतरीन है, एक लाइट भी मिल जाती है। ये गाड़ी ट्रस्ट मी देसी गाड़ी है, और ये अब्यूज़ फ्रेंडली गाड़ी है। आप इस गाड़ी को अब्यूज़ कर सकते हो, और अब्यूज़ इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं महिंद्रा के बोलेरो न्यू ओन करता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाना और वीडियोस देखना कि मैं गाड़ी को किस हद तक लेके जाता हूँ। मैं थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाता गाड़ियों के ऊपर, बहुत मर्सी नहीं दिखाता, ठीक। और जब जब मैंने अपनी गाड़ियों को टेस्ट करने की कोशिश की है ना, दे कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विथ महिंद्रा। महिंद्रा बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, और इनफैक्ट ऐसी गाड़ियों के साथ जिनकी लेगेसी चली आ रही है, जो अब लेजेंड बन चुकी हैं, ठीक। तो ओवरऑल जो मेरा व्यू है, ओपिनियन है, मैं 10 में से 10 दूंगा। और मैं शायद से गाड़ी बुक भी करूँगा, मैं खरीदूँ भी, क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट होता है, वो मेरे को हो चुका है इस गाड़ी से। बहुत बेहतरीन गाड़ी है भाई। ये हो सकता है आप गाड़ी 120 140 में ना भगाओ, पर अगर जो आप इस गाड़ी को 90 100 पे भगा रहे हो, या ये गाड़ी मतलब टॉरा मेंटेन करने वाली गाड़ियां हैं, ठीक, और इनको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। मुझे ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं किए हैं महिंद्रा वालों ने, थोड़े थोड़े सटल चेंजेस हैं जो कि मुझे वेलकमिंग चेंजेस ही लगते हैं, बहुत अच्छे चेंजेस हैं उन्होंने। वो ऑथेंटिसिटी, वो जो आपका हिंदी में क्या कहेंगे यार, जो एसेंस है उसको लूज़ नहीं किया है, वो अभी भी यहाँ पर बरकरार रखे हैं। वही सेम स्टैंड है, वही सेम हाइट है, वही सेम रोड प्रेजेंस है। सो थम्स अप टू महिंद्रा, और मैं रेकमेंड करूँगा, 101% रेकमेंड करूँगा कार, कि जिसका भी बजट 14 से लेके 18-19 लाख के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, डेफिनेटली ये गाड़ी खरीद सकता है। चलिए, आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगा हो। कोई क्वेश्चन होएंगे तो प्लीज़ आस्क मी, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।